प्रकरण है। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे कोतवाली थाना अंतर्गत 4 दिसंबर को एक नहर की सफाई के दौरान एक बोरे में पैक एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। उसकी शिनाख्त करने में उनके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, जिसके माध्यम से पुलिस को क्लू लगा था और जिसपे एक अमरजीत नाम लिखा था और करणी माता का नाम लिखा था। उस टैटू को फॉलो करते हुए जब पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की गई, जांच पड़ताल की गई, तो उस मृत व्यक्ति की शिनाख्त हुई अमरजीत गौड़ नाम के व्यक्ति के नाम से। और उस पर लगातार पुलिस द्वारा सभी प्रकार के तरीकों से जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा था। और आज काफ़ी अथक परिश्रम के बाद, और सबसे अच्छी बात है कि एक मैनुअल तरीके से इसमें लगातार लग के पुलिस की टीम, थाने की टीम, SOG की टीम द्वारा लग के आज इसमें अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त क्रमशः, जिनका नाम है राजकुमार, लड्डू और नगीना, जो थाना बिटौली क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर प्रहार किया गया था जिसमें इसकी मृत्यु हुई थी। और अभी तक की पूछताछ में जो बात निकल कर आई है कि ये अमरजीत नामक व्यक्ति जो है, ये शराब के नशे में, क्योंकि इनकी आदतें कुछ ठीक नहीं थी, इस कारण से ये इनके घर में घुस के महिलाओं के साथ अभद्रता की शिकायत आई थी और उस रात भी शराब के नशे में ये उनके घर में घुस गए थे और उससे आक्रामक होके इन 3 लोगों ने इनके ऊपर अपने जिस काम करने के लिए जिन हथियार का ये प्रयोग करते हैं, जिस काटने वाली चीज़ का प्रयोग करते हैं, उससे इन्होंने हमला किया था जिसमें इसकी मृत्यु हुई थी। और बाद में शव छुपाने के दृष्टिगत इन्होंने उसको बोरे में पैक करके नहर में फेंकवाया था, जहाँ से ये शव पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। और इसमें प्रशंसनीय है जो जॉइंट एफर्ट पूरी टीम के द्वारा किया गया है, एक लंबे प्रोसेस के बाद एक मैनुअल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए इस पूरे घटना का अनावरण किया गया है। इसके लिए इस पूरी टीम को, जो हमारी कोतवाली की टीम है और SOG सर्विलांस की टीम है, इसको जनपद स्तर से 15,000 का इनाम भी दिया जाए।